स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से कभी रामचरितमानस पे, कभी सनातन पे, कभी अब हिंदुत्व पे जिस प्रकार से नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी अब स्वामी प्रसाद मौर्य पे बुलडोजर चलाए। आखिर बुलडोजर कब तक शांत रहेगा? इन्होंने एक जिस प्रकार से बोलने की एक निचता तक गिरते जा रहे हैं, इससे स्पष्ट हो चुका है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब उस घड़े को फोड़ने की आवश्यकता है। अनेक अपराधियों पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर चलाया है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, बिना भेदभाव का। तो आखिर इनके साथ क्यों, इनके साथ नरमी क्यों बरती जा रही है? ये मेरा मांग है कि तत्काल रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य पे दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। अगर इन मानसिक रूप से ये पागल हो चुके हैं तो इनको पागल खाने में भर्ती किया जाए, और अगर जो जानबूझ के अपराध कर रहे हैं तो इन पे बुलडोजर चलाया जाए और इनको सलाखों के अंदर जेल में डाला जाए। भगवान राम का राज्याभिषेक भी तभी हुआ था जब असुरों का संहार हो गया। उसी प्रकार से अब जरूरी है कि ऐसे कलयुगी असुरों को जो राम काज में विघ्न डाल रहे हैं, जो हिंदुओं की भावना को आहत कर रहे हैं, इन पर बुलडोजर चला के इनके विचारों को शुद्ध पवित्र किया जाए, इनको सबक सिखाया जाए, तभी निश्चित रूप से रामलला जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है उसकी सार्थकता होगी। तो मेरा ये निवेदन है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले, चाहे स्टालिन 2 हो, चाहे डी राजा हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे जगदानंद जी हो, या स्वामी प्रसाद मौर्य, इन कलयुगी नकारात्मक लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। राम राम।